कार आपका इस वीडियो चैनल में स्वागत है। मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक। ईश्वर आपको सदैव आनंदित रखें। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी हथेलियों पर मौजूद दिव्य चिन्ह का क्या लाभ मिलता है, ये क्या होते हैं और ये आपकी किस्मत संवारने में कैसे मदद करते हैं। दिव्य चिन्ह कुल मिलाकर 14 प्रकार के होते हैं, तो दो दिव्य चिन्हों की चर्चा पूर्व के दो वीडियोज में मैं कर चुका हूँ। उनके नाम थे रिंग ऑफ सोलोमन और दूसरा था वो मेडिकल स्टिग्मेटा। तो आज इस वीडियो में जिस दिव्य चिन्ह की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है स्टार साइन। स्टार साइन हथेली पर सबसे शुभ और दिव्य चिन्ह माना जाता है। ये स्टार है थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं आपको बताऊं, एक क्रॉस होता है ये लाइक दिस, इट हैज ओनली टू लाइंस एंड फोर इंटरसेक्ट्स। और वेयर स्टार हैज थ्री लाइन्स इंटरसेक्टिंग एंड इट हैज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पॉइंट्स। सो स्टार इज इम्पोर्टेंट। ईश्वर प्रदत्त स्टार साइन या दिव्य चिन्ह आपका जीवन धन्य करने को काफी है, एक ही निशान है। अब हम सबसे पहले इसको गुरु पे जानेंगे। ये इसको मैं एक लाइन यहाँ पर और खींचू तो ये स्टार बन गया। तो ये गुरु की जगह है इंडेक्स फिंगर। तो यहां ये ईश्वर प्रदत्त स्टार का मतलब होता है कि लीडरशिप पावर। आप जानते हो ये गुरु किस पर्वत के लिए जाना जाता है, लीडरशिप के लिए, नेतृत्व के लिए। ये पावर देता है, ये एम्बिशन पूरी करता है, महत्वाकांक्षा पूरी करता है। आदमी को उत्साह, उमंग, जोश, लालसा, चाहत, अरमान के साथ में लगे रहना, इज्जत की जिंदगी, गरिमा का से जीवन जीना। सुपर अचीवर, मैं तो इन लोगों को बोलता हूँ ये बहुत प्राप्त करते हैं, देखो मैंने क्या कर लिया। ये बोल भी सकते हैं, ये बता सकते हैं मैंने अभी तक क्या पाया है। सफल राजनीतिज्ञ होते हैं, इनको पावर मिली होती है, चाहे पुलिस की पावर हो, चाहे सरकार की पावर हो, चाहे कलेक्टर की पावर हो, चाहे एक्सपर्ट की पावर हो, तो इनको पावर मिलती है। तो ये इसको उसी हिसाब से इनको उनके कारण के अनुसार धन, सम्मान, उच्च पद, ये सब इनको मिलता है। यस, तो सम्मानजनक पद और सफलता की गारंटी है। गरीब परिवार में भी पैदा होने वाला ये बहुत नाम कमाता है, बहुत प्रसिद्ध होता है। आपने गुरु पे स्टार के बारे में जाना अभी, अब हम सूर्य की पर्वत पर स्टार होने का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। ये सूर्य की उंगली कहलाई जाती है, ये इसके ऊपर स्टार। तो आप पामिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी जानकार होंगे तो आपको पता होगा कि ये सूर्य का पर्वत या अपोलो माउंट हाथ के ऊपर किस बात के लिए जाना जाता है। तो वहाँ स्टार होने का मतलब है कि व्यक्ति की एक ज़बरदस्त पहचान होगी, पावरफुल पहचान होगी। वो उसकी प्रतिभा के लिए, टैलेंट के लिए जाना जाएगा। आर्ट, कला, क्रिएटिव और रचनात्मक कार्य करने की योग्यता होगी उसमें। वो व्यक्ति फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, बड़े स्पॉटलाइट में रहेगा, कैमरे, चीज़ें, अखबार, न्यूज़ में रहना, टैलेंटेड, अपनी हैसियत के अनुसार जितनी उसकी कैपेसिटी है अपने आप को शो करने की दुनिया को, तो वो करेगा, खूब घूमेगा विदेश वगैरह में भी और अच्छे भाग्य का आनंद लेगा भाई। तो व्यक्ति किसी भी एक या अधिक आर्ट में निपुण होगा। हाथ पर के अन्य निशानों के अध्ययन से पता चलेगा कि व्यक्ति खास किस क्षेत्र में अधिक कुशल होगा। व्यक्ति के व्यवहार में चेहरे पर खुशी की चमक आपको नजर आएगी, दिखाई देगी, और अच्छी एकाग्रता से वो काम करने वाला है, खुश रहने वाला होगा या होगी। यदि सूर्य के पर्वत और कोई स्टार चिन्ह पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धनवान होने की खुशी का पूरा लाभ मिलता है। भौतिक रूप से उसे अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी का एहसास होता ही नहीं, और आमतौर पर उसके हाथ के ऊपर पूरी पुण्य रेखा भी होती है, उसको सनलाइन भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सुखी शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। ये आपके पास जो ये हाथ है इसके अंदर सनलाइन है, इसके हाथ में ये सनलाइन स्टार के अंदर से ही ये चल रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये बहुत लाभदायक होती है, इसका छोटा सा टुकड़े का भी हिसाब का होना भी बहुत महत्व रखता है। तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा। ये जो हाथ है ये एक बैंक मैनेजर का हाथ है, तो मदद करना खुशी मिलती है इसको।
और दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, भरमार है, घर भरे पूरे हैं हर चीज़ से, और अब कारों की कमी नहीं है, मकान दो बना लिए हैं, और नौकरों की सेवा लेता है, विदेश भी होके आ गया है, तो उसके हाथ में ये कॉन्फिडेंट है, बताती है ये लाइन, और बड़े दिल वाला और लगे रहने की प्रवृत्ति, जैसे सूर्य की ब्रह्मांड को जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसी तरह ऐसे व्यक्ति की समाज को आवश्यकता होती है। तो ये खुश रहने वाले हैं, ये समाज में बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, रेस्पेक्टेबल जीवन होता है इनका, हेल्थ अच्छी रहती है, और कभी कोई दिक्कत कोई आएगी इनको हेल्थ की, तो वो उसकी आएगी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, बस वो कोई नहीं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो ये स्टार का कमाल है भाई, और रेस्पॉन्सिबल है, दिमाग इसकी मदद कर रहा है। अगर हम उसके बुध पर्वत के ऊपर जाएं, तो ये इसका बुध का पर्वत है, यहाँ पे भी अगर देखें तो ये स्टार बना हुआ है, अगर ये बना हुआ हो तो ये तो बोलने में माहिर होता है भाई, ये तो अद्भुत वक्ता है, जिसके पास शक्तिशाली भाषण देने की आर्ट है, कला है, ये ईश्वरीय उपहार होता है जी। और यहाँ बुध पर्वत पर स्टार का व्यक्ति को अतिरिक्त चतुर बनाता है, एक्टिव बनाता है, बुध का मतलब व्हील, पहिया, चलना, घूमना, बोलना, समझाना, पटाना, राजी करना, खुश करना, जनता की सोच को प्रभावित करना, और अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना, और ये व्यक्ति जो भी काम शुरू करता है पूरा कर लेता है, और राजनेता के लिए तो ये बहुत बड़ा गुण है जी, ये यहाँ पे स्टार का होना। बुध पर्वत पर एक स्टार के साथ अगर उंगली का मध्य पोर सबसे बड़ा हो जाए, जैसे कि ये इसके अंदर ये बड़ा नहीं है, ये दिस पार्ट इज स्मॉल, तो ये फर्स्ट फ्रैंकल इज लॉन्गर, तो ये आदमी अक्ल से जीने वाला, अक्ल के काम करने वाला है। लेकिन अगर ये मिडिल फिनिक्स बड़े हो तो बहुत बड़ा जबरदस्त बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, यस, और एक प्रतिभाशाली व्यापारी होगा, नॉट सादा साधारण। ऐसे व्यक्ति जो है बड़ी योजना बनाते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, हालांकि ऐसे व्यक्ति एक सफल लेखक भी हो सकते हैं, पर उनकी लाइन ऑफ माइंड ऐसे नीचे जाती है यूं ऐसे, और ये प्रैक्टिकल है, ये इसने जो सीधी लाइन जो जाती है आदमी को प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बनाती है, यस। तो ये भी एक आनंददायक, ये गुण बढ़ा देता है, ये जो चीज़ें, ये स्टार जो होता है ना, गुणें बढ़ा देता है। अगर ये चंद्र का पर्वत है, अभी इस चंद्र के पर्वत और ऊपर यहाँ पे ऐसे ये स्टार बन जाए यहाँ पर, तो ये प्रतिभा इस क्षेत्र में होगी कल्पना की, ये इमेजिनेशन के लिए जाना जाता है, कविताएं लिखनी, लिरिक्स लिखने, और राइटर, ग्रेट ग्रेट राइटर, मतलब जो आम साधारण आदमी नहीं कर सकता, कोई चीजें आविष्कार कर देना, तो साइंटिस्ट भी कर सकते हैं, मौलिकता मौलिकता ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाएंगे ये दुनिया के अंदर। ये याद रखें, जहां लोगों के पास कोई दृष्टि नहीं होती, इनके पास में होती है। तो जीवन में सफल होने के लिए हमारे मस्तिष्क की अन्य गतिविधियों के साथ साथ कल्पना शक्ति भी बहुत जरूरी होती है, वो चीज जो आम आदमी नहीं देख पाते, सोच पाते, ये कल्पना करने की प्रतिभा है, कुछ नया सोचना। जो भी चीजें आप देखते हैं, हम ये दुनिया के अंदर जो इन्वेंट हुई है, ये पहले एक आइडिया ही थी, और ये लोग, इनका एक काम होता है, तो आपने देखा होगा कि ये जो दिव्य चिन्ह जो होते हैं ना, ये गॉड गिफ्ट, साइंस, ईश्वर, एक व्यक्ति को भरपूर आनंदित कर सुखी संपन्न और जीवन दे देते हैं, तो उनका जीवन तो धन्य हो जाता है जी। एक ही स्टार बहुत है आपके जीवन को धन्य करने के लिए। तो मंगल पर्वत की तरफ चलते हैं, यहाँ स्टार का क्या मतलब होता है? तो मंगल पर्वत दो होते हैं, एक अंगूठे के पास वाला, ये दिस दिस, इसको जो बोलते हैं हम लोअर या हिंदी में अंदरूनी, और इसका सामने भी मंगल होता है, इसको बोलते हैं कि बाहरी, या इसको बोलते हैं अपर। ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ये अंदरूनी कहलाता है, अंदरूनी, ये बाहरी,
अब इनके क्या मतलब होते हैं, यहाँ पर घोड़ा इंसान को असाधारण रूप से साहसी बनाता है। यस, ये बंदा किसी से नहीं डरता है। ये ज्योति को सैन्य, पुलिस बल, खेल में लीडर और किसी भी क्षेत्र में साहस बताने के लिए जाना जाता है, जो लोगों में रोमांच पैदा कर सके, उत्साह का संचार कर सके। इन्हें वीरता के लिए पुरस्कृत किया जाता है। कई बार तो इतना साहसी होता है कि इसको पता नहीं होता कि मैं दुस्साहसी बन रहा हूँ कि साहसी बन रहा हूँ। तो बढ़िया है कि अपनी किसी गुरु से ये राय ले ले तो ठीक है। यहाँ ये खराब भी हो सकता है। तो टू मच ऑफ एवरी थिंग इज बैड। यस, ये बड़े उमंग, लालसा, चाहत, शौक, अरमान के साथ में जीता है। जो भी काम करता है पूरे मन से करता है और विरोधियों का डट कर मुकाबला करता है और अनुशासित सिस्टम से जीता है। प्रतिभाशाली है। यस, तो उनके पसंद के क्षेत्र में बिल्कुल सफलता पाता है, प्रसिद्धि मिलती है इसको, और धन्य महसूस करेगा कि यस, और जीवन में आनंद अनुभव करेगा। लेकिन जैसे मैं चर्चा करी कि टू मच ऑफ एवरी थिंग इज नॉट गुड। तो अगर हथेली लाल हो गई, नेल्स छोटे हो गए, तो ये जल्दी भड़क जाएगा। तो जल्दी भड़कने से ये काम अत्यंत खतरनाक हो सकता है। ये तो उन्माद में ये व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या भी कर सकता है। तो ये बहुत गलत काम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल इसको चाहिए। सेल्फ कंट्रोल माइंड से आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट इसको माइंड से मिलेगा। अगर इसका माइंड इसको मदद करेगा तो ये नहीं भड़केगा। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये जो बोलते हैं कि ये अपर माउंट की तरफ, तो इसको जो बोलते हैं कि ये जैसे ये अपर वाला साहस के लिए जाना जाता है, तो ये बर्दाश्त करने के हिसाब से जाना जाता है। जैसे कि ये लोअर मंगल, ये अंदरूनी मंगल साहस के लिए जाना जाता है, तो ये जो है ना ये प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। ये मुकाबला करेगा। यहाँ व्यक्ति जुझारू तो अवश्य होगा लेकिन आक्रामक कम और बर्दाश्त शक्ति का अधिक प्रदर्शन करेगा और इंतजार करेगा। ये हथियार शीघ्र नहीं डालता है, सरेंडर करने वालों में नहीं है। ये मतलब ये है कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इस व्यक्ति को सब्र बताने के लिए इनाम मिलेगा। यस, ये चीज़ है। अब हम ये आगे चलते हैं। ये नेपच्यून के लिए, नेपच्यून साइन ये यहाँ होता है, ये शुक्र का पर्वत, ये चंद्र का, जैसे बताया आपको। तो यहाँ पे ये दोनों की पॉइंट पे, जॉइंट पे होता है ये स्टार। तो इसको पर्वत को, नेपच्यून के पर्वत को में होना, ये भावनाओं से जुड़ा है बहुत बहुत ज़्यादा। तो गहरी समझ लोगों की और निपुणता हासिल कर लेता है इसमें। अगर आपके हाथ में ये निशान यहाँ पे है तो आप दुखियों और पीड़ितों को आसानी से समझा सकते हैं कि भी कैसे संकट के समय में जो है ना सिर उठाकर कैसे जिए। आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं और इसलिए दुनिया में आए हैं। तो सही अर्थों में, संक्षेप में, नेपच्यून के इस स्टार के साथ आप एक महान परोपकारी कार्य करने वाले और लोगों के दुख दूर करने वाले परामर्शदाता हो जाता है। यह दूसरों का, ये इंसान दुख दूर करने के लिए आया है। अच्छा, शुक्र पर्वत पर जो स्थित जो स्टार होता है, ये बताएं, मैं बताया ये शुक्र पर्वत, ये यहाँ पे जो स्टार है, ये बहुत मस्ती वाला है। मैंने सही वर्ड इस्तेमाल किया। ये आदमी अपने जीवन में भरपूर मस्ती करते हैं, जीवन लेते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। यस, और अपनी प्रतिभा को बताता है। कौन सी प्रतिभा को? जीवन में मौज करने की। ये सच में एक ईश्वरीय उपहार होता है एक इंसान को। जैसा व्यक्ति, ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक बात तो है कि ये खूबसूरत होंगे ये लोग और आकर्षक होंगे। यस, और व्यक्ति के जो विपरीत लिंग के जो मेंबर होते हैं ना, ऑपोजिट सेक्स के मेंबर, तो उनमें बहुत मन रखता है। उन खूबसूरत लोगों में टाइम व्यतीत करना, उनकी कंपनी, उनका साथ, वो शौकीन होगा, अच्छा लगेगा। तो ये सदैव उनका साथ चाहेंगे भैया। तो वे बहुत सावधानी और शौक के साथ कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाने में माहिर है, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी लहंगे, और आमतौर पर अमीर माने जाते हैं भाई। यहाँ स्टार व्यक्ति को वास्तव में एक स्टार माना सकता है, एक महान शोमैन, चाहे वो लेडी हो, चाहे जेंट हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जो स्वभाव से ही खुश रहने वाला और हर्षित और कामुक होता है, सेक्सी होता है, और सब सुख सुविधा पूर्ण भोगते हुए आनंदित जीवन जीता है भाई। इसको सब सुविधा मिलती रहती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो इस वीडियो में इतना भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं हूं आपका हितेशी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक परेंद्र सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू, इन्जॉय। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9829107577। थैंक यू वेरी मच।